नमस्कार, E24 के YouTube और Facebook पेज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देश भर में आज ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, ऐसे में हमारे बॉलीवुड सितारे भी कहां पीछे रहने वाले हैं। भले ही इस बार सलमान के घर के बाहर का नजारा वैसा ना हो जैसे हर साल रहता है, भले ही इस बार शाहरुख खान मन्नत के टेरेस पर चढ़कर अपने फैंस को वेव ना कर पा रहे हों, लेकिन यकीन मानिए अगर जश्न का मौका है तो हमारे बॉलीवुड सितारे इस जश्न को अपने परिवार के साथ भी उसी उत्साह के साथ मनाते हैं। और यही वजह है कि ईद को लेकर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज जश्न मनाया जा रहा है। वैसे ये जो ईद का त्यौहार होता है ये बॉलीवुड के लिहाज से सिर्फ पार्टीज तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि ईद का महत्व बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत ज्यादा है। तभी तो बहुत सारे स्टार्स ईद पर अपनी फिल्में रिलीज करते हैं। वैसे इन ज्यादातर स्टार्स में सबसे ऊपर सलमान खान का नाम ही होता है, बल्कि अगर देखा जाए एक आंकड़े की माने तो 2009 के बाद से तो सलमान का एक छत्र राज ही ईद पर हो गया है। तभी तो 2009 में सलमान की जब वॉन्टेड आई उसको इतना बम्पर रिस्पॉन्स मिला, वो फिल्म सलमान के करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उससे पहले सलमान बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप दे रहे थे, उनका करियर डावाडोल होने लगा था, लेकिन ईद पर सलमान का आना जैसे हर किसी के चेहरे को खिला गया और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस पर इतना जबरदस्त कलेक्शन हुआ कि सलमान की फिल्म के प्रोड्यूसर्स के भी चेहरे खिल गए। लिहाजा सलमान ने उस दिन तय कर लिया कि ईद तो उन्होंने अपने नाम ही करनी है। हालांकि 2013 को सिर्फ अगर छोड़ दिया जाए तो 2009 से लेकर अब तक सलमान की हर ईद पर कोई ना कोई फिल्म रिलीज हुई है और उसने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े हैं कमाई के मामले में। आपको हम यहाँ पर ये भी बता दें, एक फिल्म थी सलमान की रेस 3, वो भी ईद के मौके पर रिलीज हुई थी। फिल्म को वर्स्ट फिल्म्स की कैटेगरी में डाला गया था, लेकिन अगर कमाई की बात करें तो उस फिल्म ने भी 200 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा पार कर लिया था। तो सलमान की फ्लॉप फिल्में भी ईद पर कमाई के मामले में बहुत ज्यादा कमाल दिखा जाती हैं। वैसे शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस भी ईद के मौके पर साल 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था फिल्म को। इसके अलावा भूल भुलैया अक्षय कुमार की फिल्म आई थी, उसको भी ईद के मौके पर रिलीज किया गया था। और अब एक बार फिर से सलमान खान ईद पर आने वाले थे फिल्म राधे के जरिए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सलमान ईद पर नहीं आ पाए। वैसे अगर इस बार लॉकडाउन ना हुआ होता तो आपको सलमान की राधे के अलावा एक और बड़े स्टार की फिल्म देखने को मिलती और वो है अक्षय कुमार, जिनकी लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज होनी थी, यानी बॉक्स ऑफिस पर इस ईद टक्कर होने वाली थी जबरदस्त। वो टक्कर अब टल चुकी है। बहरहाल आगे ये टक्कर देखने को मिलेगी या नहीं ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ईद का और बॉलीवुड का जन्मों जन्मों का नाता रहा है, अगर हम ये कहें तो कहना गलत नहीं होगा। सलमान खान की बात कर लेते हैं। 2009 में सलमान की वॉन्टेड आई, 2010 में सलमान की दबंग आई, 2011 में बॉडीगार्ड आई, 2012 में एक था टाइगर आई, 2013 में उनकी कोई फिल्म नहीं आई ईद के मौके पर, 2014 में उनकी केक आई, 2015 में बजरंगी भाईजान, 2016 में सुल्तान, 2017 में ट्यूबलाइट, 2018 में रेस 3, 2019 में भारत और अब राधे रिलीज होनी थी। तो देखा जाए तो ईद न सिर्फ इन बॉलीवुड सितारों के घर में एक चिराग जलाती है, रोशनी लाती है, बल्कि बॉक्स ऑफिस के मामले में भी ये ईद काफी लकी कहलाती है। तो ऐसे में फिलहाल इस ईद तो ऑडियंस को भी निराशा हाथ लगी है और स्टार्स को भी, लेकिन अगली ईद आपके लिए क्या कुछ लेकर आती है इसका इंतजार अब हर कोई बेसब्री से कर रहा है। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको E24 की तरफ से ईद की ढेरों बधाइयां और बॉलीवुड की बाकी खबरों के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए।